मिला हमारे मार्केट में। हाँ नाम सुना है ये आपको, वो जो उस पर लगता है। हाँ हाँ समझिए, तुम नहीं लगा पाओगे लेकिन लड़कियाँ लगाएंगे भाई, हम लोग देखते हैं। हाँ समझिए। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल एंड इन न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और हम लोग एक मार्केट कवर करने वाले हैं, खास तौर से हम लोग की अम्मी की अम्मी जो मतलब बहुत ज़्यादा चैती मार्केट है, सबसे सस्ती सबसे अच्छी मार्केट। और आज ईद के टाइम पे वहाँ काफ़ी भीड़ चल रही है, तो हम लोग को हो सकता है काफ़ी परेशान। यहाँ तक कि आप लोग समझ ही गए होंगे हम लोग किस मार्केट की, किस मार्केट आप लोग समझ गए होंगे। ज़्यादा मतलब हाई लेवल की नहीं, मतलब वहाँ भी बढ़िया कपड़े वगैरह मिलते हैं। उसका नाम है नवीन भाई बता दीजिए, बेकनगंज मार्केट है भाई। और इस टाइम पे बहुत खतरनाक भीड़ चल रही है, हम लोग ट्राई करेंगे बढ़िया शूट करें और दुकानदार वालों से भी बात करें। और चलिए फिर हम लोग वहीं चलते हैं। नहीं अभी बाकी के बारे में, हाँ सबसे पहली सबसे बात तो ये है कि हम लोग ओनर से बात कराने की कोशिश, ओनर से बात करवाने नहीं लगता ये हो नहीं पाए क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़, काफी भीड़ रही, वो आप लोग को ब्लॉग के देखने को मिलने लगा हम लोग को। मतलब हम लोग अपनी पूरी कोशिश, हम लोग ट्राई करेंगे, अगर वो बताते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चले फिर हम लोग चलते हैं गाइस, फिर आप लोग जब तक कुछ शॉर्ट्स का मजे लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं सीधा मार्केट। रेट लेने की कोशिश करते हैं भाई, रेट आप बताइए। ये भी 2500 रुपये में आपको अवेलेबल हो जाएगा, नवीद भाई दिखा सकते हैं क्वालिटी। बाकी इसके बाद आप अदर क्वालिटी देखते हैं, बहुत अलग क्वालिटी देखा, 25 से लेके 20,000 तक के आप लोग लेंगे यहाँ अवेलेबल है। वही आएगा कितना क्या देते हैं, 45 रुपये लेंगे क्योंकि मैरों की बहुत अलग हो गई। तो गाइस भाई की दुकान पे ओनली लहंगे अवेलेबल है, तो आप लोग लहंगे यहाँ से ले सकते हैं अपने बाइक के लिए, और हम लोग अपनी बाइक के लिए भी लेंगे। बाइक रेट लिए काफी अच्छी क्वालिटी है भाई के कपड़ों की, आप लोग आके ट्राई कर सकते हैं। भाई के कपड़े नहीं है भाई, भाई के कपड़े नहीं है, भाई की शॉप पे ट्राई कर सकते। और एक व्यू आप नाम बता दी दुकान नूर आलम क्लॉथ एम्पोरियम नाम है दुकान, ये बताएंगे कि दुकान कहाँ पे है और कई बजे तक खुलती है शाम में। तो भाई आपकी दुकान कहाँ पे? भाई अब्दुल्ला, तो आप लोग यहाँ पे आइए और भाई की दुकान से शॉपिंग करिए। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं एक भाई हमारे दुकान पे। भाई आपकी दुकान का नाम? दानिश क्लॉथ, दानिश क्लॉथ हाउस है। और हम लोग यहाँ पे सूट वगैरह के रेट लेने आए, इसके क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं और इसके रेट वगैरह भी बताएंगे। तो और भाई से हम लोग अभी रेट भी लें और इसके प्राइस और क्या क्या आइटम्स हैं सब डिटेल्स में आप लोग को बताएँ। भाई अब हम लोग भाई से सूट देखने आए, भाई कितने का सूट? ये देखिए आजकल नायरा चल रहा है हमारे मार्केट में। हाँ नाम सुना है ये आपको, सोलह सौ पचास का ये फुल कंप्लीट सूट है। और भाई के साथ टाइम चल रहा है पाकिस्तानी पैटर्न, ये है पाकिस्तानी पैटर्न में रेट जो फीचर सूट लगे हैं इन सब के रेट अलग है।
पाकिस्तानी सूट लगे हुए यहाँ पे, ये प्रिंटेड चल रहा है इधर, दिखा दीजिए वाले लगे हुए यहाँ पे दिखाए। ये 950 की रेंज के प्रिंटेड सूट है, 750 वाले, 750 के क्या रेंज, और ये जो लगे 1150 की है, कलर भी अवेलेबल है और अलग अलग डिजाइन में। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं दुकान के ओनर के पास। आपका नाम है? दुकान दानिश नाम है भाई का, इन्हीं की शॉप है ये, जितनी भी वैरायटीज है सब भाई की दुकान का। और आपकी किस जगह किस एरिया में आती दुकान? बेगमगंज थाने के, बेगमगंज थाने के पीछे आती दुकान ये। और कब तक खुली रहती है? मतलब पहले सुबह 10 बजे से रात के 2 बजे, सुबह 10 से 2 बजे तक, और रात में आजकल देर में थोड़ा खुली हुई थी रमजान, तो रात में 2 बजे तक खुली रहती दुकान, आप लोग आके शॉपिंग कर सकते हैं। अभी हम लोग जैसे आप लोगों को लेगी की शॉप दिखाई है, ये भाई के जो है ये कॉस्मेटिक की शॉप है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मतलब कॉस्मेटिक के जितने भी सामान है सब अवेलेबल है, फैशन के जितने भी सामान है वो भी अवेलेबल है। तो अब हम लोग जो है भाई से बात करते हैं, इनके जो ओनर है, अब हम लोगों को जो है ओनर से बात करते हैं इस दुकान की। आइए तो भाई, आपके यहाँ क्या क्या सामान मिलता है? लेडीज़ का सामान मिलेगा, और गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों को पर्स, हम लोगों की पर्स नहीं लगी है, लेडीज़ की पर्स लगी हुई है। और यहाँ पे भाई बता रहे हैं कि सभी तरह के कॉस्मेटिक का सामान जो है वो आप लोगों को यहाँ अवेलेबल मिल जाएगा। गाइस अब हम लोग जो है भाई के प्रोडक्ट की बात करते हैं, देखते भी हैं दिखाते भी हैं हम लोगों को। आइए अच्छा, वो जो उस पर लगता है, तुम नहीं लगा पाओगे लेकिन। तो भाई इसका प्राइस क्या है? अच्छा, गाइस अब हम लोग जो है ज्वेलरी की तरफ आते हैं, हमारे भाई के पास जो है वो ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी मौजूद है। ये क्या भाई सेट है? ये सेट इसकी प्राइस भाई क्या रहेगी? प्राइस में एमआरपी 1299, सेम रेट आपको पड़ेगा हाँ, क्रोकोडाइल स्किन बोलते हैं। और भाई ये सेट के हमारी प्राइस भाई अलग अलग रेट है, जैसे ये 250 का है, अच्छा ये 300 का आएगा, ये 250 का आएगा, बंदे भी अच्छा, मतलब दोनों पूरा सेट है, ये अलग है बाकी, ये पूरा सेट है, ये पूरा सेट है, ये पूरा सेट है, ये बंदे का आंटे, ये 250 का है, 300 का, ये 250 का पर्स के रेट भाई क्या बताया ना? 700। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मतलब कुल मिला के ये जो पूरी शॉप जो है वो पूरी कंप्लीट लेडीज़ को कवर कर सकती है, ऊपर से नीचे तक की चप्पल को छोड़ के, ठीक है। तो बाकी हम लोगों के तो मतलब का कुछ नहीं है यहाँ पे, वरना तो ले लेते। बाकी आप लोगों के अगर तो मतलब का होना ही चाहिए वैसे कॉस्मेटिक का, तब तो हमारे यहाँ पे क्या होता है बाल में लगाने वाली जो छोटी होती है, आपके बाल बड़े हो जाएंगे। ये हमारे कपड़ों में लगती है, हमारे नहीं मिले लेडीज़ के कपड़ों में लगती है। तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये कि जो है ये ऑल अराउंड जो है पूरा लेडीज़ को कवर कर सकती है, अगर आप इस शॉप पे आ गए तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चलते हैं, यहाँ पे तो कवर हो गया। भाई का दुकान का नाम एक बार पूछ लेते हैं, शबनम कॉस्मेटिक, शबनम कॉस्मेटिक के नाम से। टाइमिंग भाई क्या है? सुबह 11 से रात 10। अच्छा, और इसका अगर एड्रेस की बात करें तो ये बेगमगंज थाने के पीछे है, मतलब जो लहंगे की दुकान है उनके भाई है ये हमारे जो शॉप के ओनर है। तो आपको यहाँ पे आके जो है विज़िट ज़रूर कीजिएगा, और भाई का जो है मतलब सामान जो है जो गुड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो फिलहाल जो है गाइस हम लोग अब मार्केट होके आ चुके हैं और बहुत ख़राब हालत हो चुकी क्योंकि इतना वहाँ पे रश था गाइस, और क्योंकि ईद का टाइम है तो रश तो होगा काफ़ी, आप लोगों को जगह भी वही दिख रही होगी, जगह इसलिए वही है क्योंकि हम लोग वहाँ पे मतलब वीडियो में भी हुआ है गाइस, उसके लिए थोड़ा आप लोग इग्नोर करिएगा, आप लोगों को बैकग्राउंड साउंड का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा क्योंकि इतना करीब रख रहे थे साउंड आना ही आना वो क्योंकि वहाँ बहुत नॉइस हो रहा था, और अभी हम लोग वहीं पर आ चुके हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा सा सन्नाटा था और यहाँ आवाज़ भी कम थी, और काफी अच्छा हम लोग को रिस्पॉन्स मिला है, हम लोग के वहाँ सब्सक्राइबर भी मिले मतलब तीन चार, और एक भाई ने तो हम लोग बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पिलाई है, और गाइस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप लोग कर चुके हैं तो आप लोग को थैंक यू बहुत, और अगर नए हैं आप लोग तो कर लीजिएगा, आपको कानपुर के और इस तरह के ब्लॉग्स आने को देखने को मिलेगा, बाकी की जो है रही बात अभी ऐसा हो सकता है क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा शॉपकीपर लोग बुला रहे थे लेकिन हम लोग ज्यादा ब्लॉग बनाया भी नहीं, ये भी ब्लॉग काफी लंबा हो गया, हो सकता है हो सकता है, तो आई होप पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो उसको लाइक जरूर से करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोग को कैसे लगा, और बाकी अब हम लोग जा रहे हैं वापस, अब काफी थक गए थे करीब एक डेढ़ घंटे के ऊपर शूट कर ले, तो चलिए गाइस फिर आप लोग से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय।